फ्रेंड्स, आज जीवन में सभी लोग सारी चीजें शॉर्टकट करने की चाह रखते हैं। हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक राजा थे, उन्होंने अपने सलाहकार को बुलाया और कहा कि कुछ अच्छी बातें लिखो जो मुझे अपनी अगली पीढ़ी को देना है। उस सलाहकार ने भारी भरकम तीन किताबों में अच्छी अच्छी बातें लिखी और राजा जी के सामने पेश किया। राजा जी देख के तो संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा नहीं, बहुत भारी है, थोड़ा शॉर्टकट लिखो। सलाहकार पुनः लिखना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद उसने एक किताब में सारी बातों को लिखा। पुनः राजा के पास आया, राजा फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कहा भी बहुत भारी है। बड़ी मशक्कतों के बाद सलाहकार ने एक पन्ने पे सारी बातें लिखी, फिर राजा जी के पास पेश किया गया। राजा जी उसे भी देख के संतुष्ट नहीं हुए, बोले कुछ और कम करो। सलाहकार काफी मेहनत के बाद एक वाक्य में अपनी बातों को लिख दिया। राजा जी देख के खुश हुए। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि वो तीन किताब लिखा था, फिर उसने एक किताब लिखा, फिर एक अध्याय लिखा, फिर एक पेज लिखा और फिर एक वाक्य में ऐसा क्या उसने लिखा कि राजा संतुष्ट हो जाते हैं। उस एक लाइन में सलाहकार ने लिखा था कि भोजन मुफ्त नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि जीवन में किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको भोजन भी चाहिए तो उसके लिए लंबी मेहनत की जरूरत होती है। आप जितना समाज को, दूसरों को देंगे, उतना ही आपको मिलता है। इसलिए जीवन जीने के लिए शॉर्टकट ना अपना करके मेहनत, परिश्रम और लगन को महत्व देंगे तो हमारा जीवन सुदृढ़ हो जाएगा और हम हमेशा सफल रहेंगे। बस एक लाइन राजा को पसंद आई, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, और यही संदेश वो अपनी अगली पीढ़ी को देना चाहते थे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।